Hello, myself Vivek Rathore from BSc Forensic Science Indore. आज का मेरा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर. तो इसमें अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज. सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं. एक तो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होते हैं जैसे कि, और अगर दोनों को मिला के देखें तो प्रिंटर हो गया, स्पीकर, मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर और कीबोर्ड हो गया और माइक्रोफोन हो गया, माइक्रोस्पीकर सॉरी. ये सारे इसके मेन पार्ट हैं कंप्यूटर के. तो अब कंप्यूटर के मेन पार्ट देखने के बाद अपन बात करते हैं कंप्यूटर क्या होता है. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें अपन जो भी डाटा उसको देते हैं, इससे इनपुट डिवाइस होते हैं, इनके द्वारा अपन इसको डाटा देते हैं. तो डाटा देने के बाद उसमें उसको प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद उसका आउटपुट आता है. तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से चलता है. और इसमें क्या होता है, कंप्यूटर वेरी फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है. अपन कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो कंप्यूटर के थ्रू उसको फास्ट कर सकते हैं. कंप्यूटर आज की जो दुनिया है उसमें कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंस है. उसमें अपन मतलब कंप्यूटर को हर फील्ड में यूज़ किया जाता है. बैंकिंग में, स्कूल में डाटा को सेव करने के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अपन कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. तो कंप्यूटर के द्वारा आज का काम है बहुत आसान और सिंपल हो गया है. तो अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहला पार्ट है पर्सनल कंप्यूटर. तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर होगा जैसे कि अपना लैपटॉप. लैपटॉप एक एग्जांपल है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको अपन पर्सनली हैंडल कर सकते हैं. उसमें कोई ये नहीं कि अलग से सीपीयू अलग से होता है, है ना, या यूपीएस होता है, वो नहीं होता है. सब इसमें सब चीज़ कंपाउंड मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहती हैं एक ही लैपटॉप में. इसको अपन ये नहीं कि बार बार चार्ज बार एक बार चार्ज करके अपन उसको बाद में मूवेबल होता है कहीं ले जा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, वो होता है पर्सनल कंप्यूटर. और फिर इसकी मतलब ये थोड़ा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसे महंगा होता है क्योंकि इसमें सब चीज़ कंपैक्ट फॉर्म में पाई जाती है. तो नीचे आता है फिर मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये एक बीच की स्टेज है पर्सनल कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की. इसके बीच वाला जो होता है उसको मिनी कंप्यूटर बोलते हैं. और फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे. तो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे बैंक में, जहाँ पर क्या होते हैं जो जितने सारे वर्कर्स रहते हैं वो सारे जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बैंक में, उनको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर. उसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर पे विभिन्न प्रकार के जो भी लोग वहाँ वर्कर काम कर सकते हैं, किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं या फिर किसी के मतलब बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं. तो वहाँ पर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर. अब आता है सुपर कंप्यूटर. तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, इनमें जो भी जो इनके काम करने की कैपेसिटी होती है बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, मिन सेकंडों में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर देते हैं और इनकी काम करने की स्पीड बहुत फास्ट होती है. तो ये होगा सुपर कंप्यूटर. अब अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की. तो कंप्यूटर के बेसिकली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दो पार्ट होते हैं और डाटा और यूज़र भी है. तो हार्डवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में जिनको अपन छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्पीकर हो गया, जिनको अपन हाथ से फिजिकली जो प्रेजेंट हैं उनको अपन हाथ से छू के देख सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको अपन हाथ से छू नहीं सकते, जैसे कि अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पेंट हो गया, ये सारे के सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं. इनको अपन छू सकते हैं, बस परफॉर्म करते हैं, जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे कि ओएस हो गया, उसके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं अपना. इसके बाद डेटा. डेटा क्या होता है, एक सोर्स मतलब एक कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोई भी फाइल उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको अपन डेटा बोलते हैं. फिर आता है यूज़र. तो यूज़र क्या होता है, जो भी लोग इस चीज़ को यूज़ कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं वो होते हैं यूज़र, मतलब जो लैपटॉप कंप्यूटर को यूज़ करने वाले लोग होते हैं उनको अपन यूज़र बोलते हैं. अब है बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर के जो फॉलो करता है टू रिसीव अ डाटा. जैसे कि अपन को कोई कंप्यूटर को डाटा देना, क्या क्या स्टॉप स्टेप के थ्रू वो डाटा कंप्यूटर में जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, फिर आउटपुट देगा, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बोलते हैं. कोई इनपुट, पहले तो अपन जो भी डाटा देंगे वो इनपुट के थ्रू देंगे, है ना, इनपुट डिवाइस होगी, उसके थ्रू डाटा जाएगा सीपीयू में जाएगा, प्रोसेसिंग होगी, फिर उसका आउटपुट डिवाइस होगा, इसमें आउटपुट आता है. इसमें क्या रहता है, पहले इनपुट दिया कोई भी, फिर उससे प्रोसेसिंग हुई, फिर उस पर क्या आएगा, प्रोसेसिंग होगा, उसका आउटपुट आता है. तो इसमें अपन देखने के लिए ये चार्ट देखते हैं पहले. ये तो इसमें क्या रहता है, अपन जो भी इनपुट डिवाइस हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, इससे अपन द्वारा अपने कोई भी डाटा को इनपुट कराया. इनपुट कराने के बाद सीपीयू में जाता है. सीपीयू क्या होता है, एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जहाँ पर सारी प्रोसेसिंग होती है. तो सीपीयू में क्या होता, तीन पार्ट होते हैं, मतलब सीपीयू के अंदर ऐसे तीन पार्ट्स में कोई भी डेटा
परफॉर्म होता है जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिकल ऑटोमेटिक, जैसे कि अपन ने इनपुट दिया कोई कैलकुलेशन 2+5, तो 2+5 को जो कैलकुलेशन करता है वो होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। कोई भी कैलकुलेशन का वर्क कहाँ होगा? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में काम होने के बाद कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस जो डेटा आया उसका आउटपुट में शो कर देगा। इसके बाद अपन देखते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है पूरे जो अपन डेटा दिया इनपुट डिवाइस से डेटा को लाना, प्रोसेसिंग होने के बाद उस डेटा को आउटपुट तक ले जाने का काम रहता है वो होता है कंट्रोल यूनिट का। फिर होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में क्या रहता है? वही जो डिवाइस जो हेल्प करते हैं डाटा को इनपुट कराने में और सीपीयू तक लाने में, उनको इनपुट यूनिट कहते हैं। और आउटपुट यूनिट हो गया जैसे स्कैनर हो गया, जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप हो गया और स्पीकर हो गया, सब आउटपुट के एग्जांपल। यहाँ पर देने का सारे बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? लाइक कीबोर्ड माउस दैट आर यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट यूनिट, है ना, जिनको अपन डाटा देने के लिए काम करते हैं इनपुट यूनिट। आउटपुट क्या होता है? वो डिवाइस जो अपन को रिजल्ट दिखाते हैं, आउटपुट दिखाने में हेल्प करते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट दैट आर यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यूजर इन डिस्क्राइब टू फॉर्मेट, जो अपन को आउटपुट देने में हेल्प करता है। इनपुट दिया उसका आउटपुट मिले उसको अपन क्या बोलते हैं? जो दें उनको आउटपुट यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर अपन देखते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या होता है। वही जो सीपीयू होता है उसमें अपन कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करानी रहती है तो उसको कंट्रोल करता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वेयर ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन टेक प्लेस। मेमोरी क्या होती है? ऑल टाइप ऑफ डाटा इंटरेक्शन एंड डाटा। अपन को कभी कंप्यूटर में अगर कोई भी डाटा को सेव करना हो इसके लिए, भविष्य में यूज़ करने के लिए, तो उसको सेव करने के लिए कहाँ होता है? मेमोरी में सेव होता है वो डाटा। तो मेमोरी को बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी सेकेंडरी का प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? इसमें डाटा टेम्परेरी सेव होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें डाटा मतलब परमानेंटली सेव होता है। प्राइमरी मेमोरी से अपन कोई अपन अभी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर, अब लाइट चली जाती है, लाइट चली जाने के बाद जब अपन लैपटॉप द्वारा खोलेंगे तो जब अपन काम कर रहे हैं तो वो चीज़ अपन को नहीं मिली, क्योंकि वो जो वर्क जो डेटा सेव हो रहा था वो काम हो रहा था वो होता है प्राइमरी में। तो प्राइमरी में क्या होता है? डेटा टेम्परेरी सेव होता है, वहाँ पर परमानेंटली नहीं होता है। और सेकेंडरी में क्या होता है? डेटा अपनी परमानेंटली सेव कर सकते हैं 10 दिन बाद, लेकिन वो डेटा अपन को मिल जाता है। एग्जाम्पल उसका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। तो ये होगा बेसिकली डिफरेंस बिटवीन